हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान के दीपक में स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे आज हम कुकुम्बर का प्लांटेशन कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमने यहाँ पे ऊंचा सा छोटा सा बेड बना लिया और इसमें जो मल्चिंग शीट होती है 4 फीट वाली, उसको काट के 2 बना लिया, मतलब 2-2 फीट बना लिया। नीचे आप देख सकते हैं सिल्वर है, ऊपर ब्लैक है। अभी हमारा सितम्बर का महीना चला, ठंड आने वाली, इसलिए हमने ब्लैक वाली ऊपर कर ली ताकि इसमें ज़्यादा रोशनी पड़े। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हमने होल बना लिए हैं 1-1 फीट की दूरी पे, जिग जैग पे। और ये हमारी प्रोट्रे है जिस पे हमने नर्सरी तैयार कर ली है खीरे की। और जैसे तीसरा पत्ता आना शुरू हो गया तो इसको प्लांटेशन के लिए रेडी हो गया। आप इसके रूट देख सकते हैं, बहुत अच्छे से डेवलप है। इसमें हमने कोकोपीट पर लाइट और गोबर की खाद मिलाई थी। उसके बाद हम इसको इस तरह से जो हमने होल बनाया है उसमें डाल लेंगे, देखिए। उसके बाद साइड से मिट्टी दबा लेंगे। तो हमने इस तरह से दबा लिया है, ज़्यादा भी नहीं दबाएंगे। ज़्यादा दबाएंगे तो इसकी जो रूट होती हैं वो ज़्यादा फैल नहीं पाएंगे, क्योंकि रूट को फैलने के लिए हल्की मिट्टी चाहिए। इस तरह से आप खीरे का प्लांटेशन कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के तौर पर कुछ हल्का सा 19-19-19 डाल सकते हैं NPK, नहीं तो आप गोबर की खाद डाली है तो वही काफ़ी है इसके लिए। इसके लगभग 40 दिन बाद यहाँ पर खीरा हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। इस तरह की कई सारी वीडियो आप हमारे चैनल पर ज़रूर देखें। धन्यवाद।